के फतेहपुर जिले के आरटीओ ऑफिस में डीएम ने अचानक छापेमारी की। छापा पड़ते ही ऑफिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। वहीं डीएम ने पुलिस द्वारा ऑफिस के अंदर काम करा रहे 6 दलालों को गिरफ्तार कर थाने भिजवा दिया। वहीं डीएम ने ऑफिस के अंदर पड़ी फाइलों को गहनता से देखते हुए आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों व कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। डीएम ने आरटीओ ऑफिस के बाहर बने दलालों के अड्डों पर भी छापेमारी की और कार्रवाई करते हुए दलालों की दुकानों में रखी फाइलों को भी सीज कर दिया। वहीं डीएम संजीव कुमार ने बताया कि लगातार लाइसेंस बनाने व गाड़ियों के फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत मिल रही थी। इसी शिकायत के बाद हमारे द्वारा यहाँ छापेमारी की गई और पहले से ही चिन्हित 6 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। दलालों की दुकानों में रखी फाइल भी जब्त की गई। इस पूरे मामले की जांच के बाद आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी कार्य को लेकर दबाव बनाया। जन सामान्य की पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि आरटीओ ऑफिस है वहाँ पर लाइसेंस बनाने के नाम पर या फिटनेस के नाम पर दलाली ली जाती है और अवैध तरीके से लोगों से धन मांगते हैं। उसमें कुछ दलाल सक्रिय भी हैं और ये सूचना के आधार पर पहले इनका डिटेक्शन किया गया कि कौन से ऐसे दलाल हैं और कुछ एक वीडियो फुटेज भी प्राप्त किए हैं और उसके आधार पर आज जो है कार्रवाई की गई है। उसमें 6 दलाल हैं जो नियमित रूप से यहाँ दलाली करते हैं उनको पकड़ा गया है और 2 दुकानदार पकड़ा गया है। एक अज्ञात दुकानदार से पकड़ा है जिनके यहाँ से जो पिछला पैसा अवैध रूप से कमीश लिया जाता था उसके डॉक्यूमेंट भी बरामद हुआ और सभी के खिलाफ मुकदमा उठाते हुए कार्रवाई की। दलालों पर कार्रवाई तो हो जाएगी लेकिन अधिकारी उसमें पूरी तरीके से संलिप्त रहते हैं, बिना पैसे के काम नहीं करते, बाकायदे कोड वर्ड उनकी फाइलों में कोड वर्ड डाल करके जो अधिकारी इस तरीके की कार्रवाई करते हैं उन पर क्या कार्रवाई। मगर कोड वर्ड के बारे में अभी जांच की जाएगी तो जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने अपने लिए हुए और उसमें भी अगर ऐसा जो सिस्टम है या लोगों के बयान वगैरह भी आएंगे तो अगर उसमें ये तक कार्रवाई तो दिखा दें सर। दलाल बगैर अधिकारी से मिलकर कर ही नहीं सकते, दलाल जो है अधिकारी से मिलकर कर सकते हैं निश्चित रूप से। बिना अंदर जो आम जनता है उसको एक सुगम प्रक्रिया होना चाहिए, उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई है और सरकार की मंशा है कि जो लाइसेंस प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से हो। आप कोई भी व्यक्ति आए और अपना नियत लेकर अपना लाइसेंस लेकर जाए तो निर्धारित प्रक्रिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिस्टम ऐसा बना दिया जाता है जिसकी वजह से वो अपना कार्यालय तक सुलभ नहीं हो पाता है और निश्चित रूप से उसमें अगर कार्यालय की कर्मचारियों वगैरह की भागीदारी पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी निकाल जाती है। जो दुकानें हैं उनमें तो बहुत सारी फाइलें ऐसी बरामद हुई हैं काफ़ी संख्या में और ऑफिस में कुछ रैंडम फाइलें हमने निकलवाई हैं उनका पुनः परीक्षण किया जाएगा जिनका पास किया गया है और उसके आधार पर गलत पाया जाता है। एक सर और महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक एक लिपिक अगर कोई लाइसेंस का है या फिटनेस का है उसके अंडर तो दो दो तीन तीन लोग काम करते हैं, उनकी स्थिति ये है कि दो दो तीन तीन लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो लोग काम करते हैं जिनको जो अथराइज नहीं है ऐसे ही रखे हुए हैं कि तुम हमारा काम देखो। जो CCTV फुटेज है वो भी हमने लिया हुआ है और इसके अतिरिक्त जो ये 6 दलाल पकड़े गए उनके संबंध में यही शिकायत थी कि वो एक ऊपर के स्तर पर जो है नेक्सस बनाए हुए थे और इस वजह से पब्लिक है वो बिना दलाली के कोई अपना लाइसेंस या कोई काम नहीं करा सकती थी। इसकी छानबीन पुलिस द्वारा की जाएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।